बीते दिनों विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर उपकेंद्र पर अधिशासी अभियंता के कक्ष में अवर अभियंता द्वारा मानदेय पर कार्यरत कार्यालय सहायक के साथ मारपीट और गाली गलौज के विरोध में सोमवार को बख्शीपुर विद्युत कार्यालय परिसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन अनिल कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने धरना दिया। विद्युत कर्मचारियों की मांग है कि आरोपी अवर अभियंता के निलंबन की कार्रवाई, अवर अभियंता द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच और प्रशासनिक रूप से अधिशासी अभियंता के स्थानांतरण की मांग की जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन को बाध होंगे। वहीं इस मामले में इंजीनियर अजय कुमार ने कहा कि अधीक्षण अभियंता से हमारी वार्ता हुई है और उन्होंने बताया कि अमरनाथ चौबे मार्च में ही रिटायर हो चुके हैं, विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन अनिल कुमार श्रीवास्तव और इंजीनियर अजय कुमार ने कहा, अनिल कुमार श्रीवास्तव। 26 तारीख की शाम 4:30 बजे अवर अभियंता श्री सुनील कुमार यादव ने मानदेय पे कार्यरत श्री अमरनाथ चौबे को अधिशासी अभियंता के समक्ष मारा पीटा। जब तक जो है श्री सुनील यादव और अभियंता की गिरफ्तारी एवं निलंबन नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। पिछले दिनों कुछ विवाद हुआ था, क्या है मामला और क्या अभी तक कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी हमारी अधीक्षण अभियंता महोदय से वार्ता हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो श्री अमरनाथ चौबे संविदा पे नहीं हैं, वो विभाग में किसी पद पे कार्यरत नहीं है, वो शुद्ध रूप से वहाँ दलाली कर रहे थे एक्सीएन साहब की सह पे, और उसी वजह से जो है ये मारपीट की घटना जो भी बता रहे हैं, हमारे जेई को मारा पीटा गया है और उसके लिए हमने एसी साहब को अपना लिख के दे दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए, दलालों के खिलाफ FIR कराई जाए और एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन 6 तारीख से फिर यहीं एसी ऑफिस पे जारी रहेगा।